बैक टू चैनल दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए फिर से जॉब नोटिफिकेशन लेकर आया हूँ दोस्तों। और ये दोस्तों मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, तो इसका जो 155 बेस हॉस्पिटल है तो इसकी तरफ से आया है दोस्तों। और इसका जो जॉब लोकेशन है दोस्तों असम तेजपुर में होगा दोस्तों। तो इसका लोकेशन जो आप लोगों का पोस्टिंग है वो तेजपुर में रहेगा। तो इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, सारा डिटेल्स में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से अगर कोई नया है चैनल पे आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको भी प्रेस कर देना। तो पहले जो हम लोगों को इधर मिलता है अप्लाई होना सो स्टार्ट हो चुका है और ये ऑफलाइन अप्लाई है दोस्तों। 6 जून को ही इसका जो है 6 to 12 जून तक इसका जो है एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया था, तो इस तरह से उन्होंने रखा है। और इसके बाद आप लोग को जो पहले जो आप लोग को पोस्ट मिल रहा है वो स्टेनोग्राफर 2 का पोस्ट मिल रहा है। यूआर कैटेगरी के लिए एक है, एसटीएससी के लिए कुछ भी नहीं है, ओबीसी के लिए एक है, ईएसएम के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसमें टोटली एक ही दो ही पोस्ट है। और इसका जो पे स्केल है दोस्तों 25,500 से आप लोग को हो जाएगा। इसमें आप लोग को 12 पास किया होना चाहिए तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ में आप लोग को क्या होना चाहिए, डिसेबिलिटी जो है स्किल टेस्ट नॉम डिप्रेशन वगैरह रहेगा इसमें। और 10 मिनट आप लोग को टाइम दिया जाएगा और 80 वर्ड पर मिनट आप लोग को क्या है ट्रांसक्रिप्शन होना क्वालिफाइड करना पड़ेगा। 50 MTS फॉर इंजीनियरिंग एंड 65 MTS फॉर हिंदी और कंप्यूटर, तो ये सब जो है आप लोग को क्वालिफाइड करना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इस पोस्ट के लिए पास कर सकते हैं दोस्तों। और मेल और फीमेल दोनों के लिए रखा है इसमें। और सेकंड जो आता है पोस्ट वार्ड सहायिका, तो इसके लिए आप लोग को बहुत सारा पोस्ट मिला है दोस्तों। और इसमें आप लोग को दोस्तों आप लोग अपना कैटेगरी जो है वो देख लेना, ठीक है, तब आप लोगों में टोटली जो टोटल पोस्ट है वही बता के जाऊँगा दोस्तों। इसमें आप लोग को 17 पोस्ट टोटल मिल रहे हैं और 18,000 आप लोग को जो है सैलरी वो रहेगा। इसमें आप लोग 10 पास है तो आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें एक्सपीरियंस बोलो तो आप लोग को डाई इन ए फैमिली विन ऑफ सिविल हॉस्पिटल और 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द ट्रेड डेल इन ए गोप डिपार्टमेंट, तो गोप डिपार्टमेंट के थ्रू आपने अगर एक्सपीरियंस किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ओनली फीमेल के लिए ये है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा जो नर्स के जैसा काम करते हो तो उनकी वो है यही पोस्ट। और नेक्स्ट आता है चौकीदार पोस्ट के हैं दोस्तों, चौकीदार के लिए जो है एक पोस्ट आप लोग को मिल रहा है यूआर के लिए और टोटली एक ही है इसमें। और 18,000 आप लोग का पे स्केल है और इसमें भी वही सेम 10 पास मंगा है क्वालिफिकेशन और कंजर्वेशन विद ड्यूटीज ऑफ ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, आप लोग का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कुछ भी अगर चौकीदार काम का। मेल ओनली रखा है इसमें। और सफाई वाला के लिए भी है 5 पोस्ट है, इसमें 18,000 आप लोग का पे स्केल रखा है, इसमें भी 10 पास होना चाहिए आप लोग को और 1 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें भी मेल के लिए रखा है। बार बार के लिए जो है इसका भी 2 पोस्ट है, 18,000 आप लोग को पे स्केल रखा है, इसमें भी 10 पास होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन बार्बर ट्रेड, तो आप लोग को जो प्रोफिशिएंसी आप लोग को मालूम होना चाहिए बार्बर। और इसमें मेल कैंडिडेट के लिए रखा है। वाशरमैन के लिए जो है 5 पोस्ट है, इसमें भी 18,000 आप लोग का पे स्केल रखा है उन्होंने। और इसमें 10 पास होना चाहिए आप लोग को। मस्ट बी एबल टू वॉश मिलिट्री सिविल क्लोथ ट्रोली वेल, तो अच्छा सा जो है आप लोग को जो है वॉश करना पड़ेगा। और उसके बाद आता है नेक्स्ट सफाई वाला के लिए जो है ये भी इसमें भी अच्छा खासा पोस्ट रखा है उन्होंने दोस्तों। 6 पोस्ट रखा है, 18,000 आप लोग का पे स्केल रखा है और इसमें 10 पास होना चाहिए आप लोग का। कंजर्वेशन विद ड्यूटीज ऑफ ट्रेड विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस मांगा है इसमें भी। इसमें फीमेल नहीं अप्लाई कर सकते दोस्तों, मेल नहीं इसमें। और टेलर के लिए भी पोस्ट निकला हुआ है दोस्तों, टेलर के लिए 2 पोस्ट है, 18,000 पे स्केल है, 10 पास होना चाहिए, इसमें भी 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मेल कैंडिडेट ओनली। और उसके बाद आता है ट्रीटमेंट मैट, तो इसके लिए 3 पोस्ट मिल रहा है, 18,000 आप लोग का पे स्केल है, 10 पास होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 1 साल का आप लोग का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रीटमेंट मैट का। और इसमें भी मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद आता है नेक्स्ट माली,
तो माली पुश के लिए भी 7 पुश है टोटल मिल रहे हैं आप लोग को। इसमें 10 पास क्या होना चाहिए आप लोग को, 18,000 आप लोग का पे स्केल रखा है। इसमें भी अब उन्होंने एक साल का एक्सपीरियंस मांगा है, मेल का मेल ओनली अप्लाई कर सकते हैं। और नेक्स्ट आते हैं कारपेंटर के लिए भी एक पुश है, 19,900 आप लोग का पे स्केल रखा है कारपेंटर। और इसमें आप लोग को 10 पास होना चाहिए, साथ में जो है इसी ट्रेड में आप लोग को एक साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। ओनली पेंटर के लिए भी एक पोस्ट निकला हुआ है, 19,900 जो है पे स्केल रखा है उन्होंने। और इसमें 10 पास होना चाहिए, इसमें भी एक साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसमें भी ओनली मेल ही अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए भी 2 पोस्ट है, 19,900 पे स्केल रखा है। और मैं भी नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन ट्रेड टू, आप लोगों का जो कुकिंग का है वो नॉलेज होना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ओनली मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों जो आप लोगों का जो एज लिमिट है वो यूअर कैटेगरी के लिए 18 to 25 ईयर्स तक रखा है। ओबीसी के लिए 18 to 28 ईयर्स तक, एसटी एससी अगर है तो 18 to 30 ईयर्स तक रखा है। और पीएच से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 10 साल 15 साल का कुछ मिल जाएगा, और एसटी एससी से उनको तो 15 to 13 ईयर्स मिल जाएगा। और ES मतलब एक सर्विसमैन के लिए जो है, इसमें इसके लिए जो है एस लिमिट रिलैक्स बाय द लीन ऑफ मिलिट्री सर्विस इन केस बाय 3 ईयर्स, तो इंक्रीज उन लोगों को जो 3 साल का मिल जाएगा दोस्तों। और इसमें आप लोग कैसे अप्लाई करना है दोस्तों, सो दोस्तों इसमें जो अप्लाई करने के लिए उन्होंने कहा है किस तरह से अप्लाई करना है, तो इसमें आप लोग को जो है बायोडाटा जो है आप लोग को ड्यूली साइन विद अलॉन्ग विद अटेस्टेड कॉपी के साथ आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, एडुकेशन का क्वालिफिकेशन जो डॉक्यूमेंट वगैरह है, सब कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह है वो सब भेजना पड़ेगा, अटेस्टेड करना पड़ेगा आप लोग को। और दो कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ और सेल्फ एड्रेस एनवलप विद पोस्टल स्टाम्प, तो आप लोग का जो है अपना खुद का एड्रेस का जो एक सेल्फ एड्रेस स्टाम्प जो है एनवलप जो है वो भी भेजना पड़ेगा। साथ में 25 रुपीज़ का आप लोग को जो है स्टाम्प आप लोग को उसमें चिपकाना पड़ेगा, तभी आप भेज सकते हैं, उसके अंदर डाल के भेज सकते हैं आप। और इन ए बेस तो इसमें आप लोग को कहाँ पर भेजना है, कमांडेंट 155 बेस हॉस्पिटल पिन 784001 टेस्टपोर्ट, तो टेस्टपोर्ट आसाम में, यहाँ पे आप लोग को जो है भेजना है दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो और उसके बाद आप लोग को एक बात भी रखा है उन्होंने कि 21 दिन के अंदर ही आप लोग को भेजना है, जल्दी से भेजना है, तो आप लोग जल्दी से भेजने के लिए कोशिश कर लीजिए। नेशनलिटी सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इशूड बाई अथॉरिटी ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट टू ऑल फोटोग्राफ एंड पोस्टल स्टैम्प विल बी रिजेक्टेड बट राइटली, तो आप लोग को जो है प्रॉपरली आप लोग का डॉक्यूमेंट वगैरह भेजना पड़ेगा। तो इसके लिए आप लोग को कुछ भी एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं है दोस्तों, आप लोग को क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन आर इनफैक्ट ऑन प्लेन पेपर एज पर फॉर्मेट गिवन बिलो, आप लोग को कौन सा भी फॉर्मेट में अगर एक बना लेना है, एक बायोडाटा फॉर्म बना लेना है आप लोग को, तो उसमें आप लोग को क्या क्या लिखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्या रखा है, तो इस तरह का आप लोग को देना पड़ेगा दोस्तों। पोस्टल पोस्ट अप्लाइड राइट, तो इस तरह का आप लोग सेम टाइप से कंप्यूटर दुकान में जाकर आप लोग टाइपिंग करके बना सकते हैं, इस तरह के बना के आप लोग भेज सकते हैं। तो नेम पहले जो आप लोग का पोस्ट का नाम डालना है, उसके बाद अपना नाम डालना है, और उसके बाद फादर नेम गार्जियन नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, वेदर बिलोंग टू आप एसटीएससी से बिलोंग करते हैं या कौन सा कैटेगरी से वो डालना है, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंट विद पोस्टल पिन आप लोग का जो एड्रेस है वो भी डालना है, और क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अटैच वो भी डालना है, मोबाइल नंबर आधार नंबर पैन कार्ड नंबर अगर कुछ भी है तो डालना है, और साथ में जो फोटो है ये भी इस तरह का आप लोग को बनाना है, ठीक इसी तरह आप लोग को बनाना पड़ेगा, कंप्यूटर में जाके इस तरह के बना के आप लोग भेज सकते हैं दोस्तों। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कैसे अप्लाई करना है, तो इसी तरह आप लोग को फॉलो करना पड़ेगा दोस्तों, और कुछ भी इसमें कुछ भी आप लोग को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। तो आई होप समझ में आया होगा, तो मिलते हैं हम लोग और किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।